ये हमारा सैमसंग का A30S मॉडल, ये फ़ोन मेरे पास आया था डैड, जब मैंने इसको फ़ोन को डायग्नोस किया तो उसकी VPH की लाइन फुल शॉर्ट दिखा रहा था, तो फिर मैंने इस पर भी रोजिंग किया। रोजिंग करने के बाद हमारा ये एरिया कनेक्टर वाला एरिया मेल्ट हो रहा था, बट मैंने इसके बैक साइड पर ये सील नहीं हटाई थी, तो ये फिर मैंने यहाँ पर सील हटा के और जब मैंने यहाँ पर रोजिंग करा और उस पर वोल्टेज दी तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो मेल्ट हो गया। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा कैसे मेल्ट हो रहा है, तो मैं इसको रिमूव करके और चेक करता हूँ हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। पूरी VPH लाइन हमारी साथ है और हम इस पर एक बार रोजिंग लगाते हैं, फिर से वोल्टेज मेजर करेंगे और चेक करते हैं। और चेक करते हैं कि हमारी VPH हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। हम चेक करते हैं हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता। ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है बट इसकी बैटरी लो है, तो इसमें लगेगा टाइम है। इसकी बैटरी पहले अलग से चार्ज करता हूँ और फिर इसे चेक करता हूँ फोन हमारा प्रॉपर ऑन होता है या नहीं होता है। हमारे VPH की लाइन की शॉर्टिंग थी, अब वो शॉर्टिंग मैंने कैसे निकाली, कितनी वोल्टेज इंजेक्ट की है मैंने और मैंने अपनी DC मशीन को शॉर्ट क्लियर में कैसे यूज़ किया है, ये सब इसके ऊपर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पूरी। तो गाइस सपोर्ट ज़रूर करो। तो गाइस बैटरी चार्ज कर लिया मैंने और फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। इसकी VPH लाइन शॉर्ट थी, फ़ोन हमारा ओके हो चुका है। मैं इसे पूरा कम्प्लीट ऑन करता हूँ और फिर आपको चेक करते हैं टच वगैरह प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अली तो ये फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, प्लीज़ लाइक और